नमस्कार दोस्तों, इनके मॉनिटर चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रस्तुत है चाणक्य नीति के आधुनिक रूपांतरण की एक और वीडियो। चाणक्य नीति को अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखना आवश्यक है, क्योंकि अधूरा ज्ञान सदैव घातक होता है। चाणक्य जी के अनुसार समय चाहे अच्छा हो या बुरा, हमें दूसरों का उपकार हमेशा याद रखना चाहिए। कुछ लोगों की ये गलत आदत होती है, बुरा वक्त खत्म होने के बाद वो लोगों की मदद को भूल जाते हैं। ऐसे लोग लंबे समय तक सीढ़ियों पर चढ़ नहीं पाते, उन्हें जीवन में बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों की खुशी कुछ ही समय के लिए होती है। इंसान वही सफल होता है जो दूसरों की मदद को याद रखता है। आगे चाणक्य जी कहते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन में विवेक से कोई भी फैसला लेता है, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में हमेशा सफल रहता है, उसे कोई समस्या नहीं होती। वहीं अगर कोई इंसान अपने जीवन में बिना सोचे समझे फैसला लेता है, तो पूरी जिंदगी उसे पछताना पड़ता है। चाणक्य जी कहते हैं, इंसान की पहचान उसके स्वभाव से होती है। अगर कोई इंसान सरल और सजग स्वभाव का है, तो उसे सभी पसंद करते हैं। वहीं अगर कोई इंसान उल्टे स्वभाव का है, तो वो कभी किसी का प्रिय नहीं हो पाता और लोग उसकी मदद करने से भी कतराते हैं। चाणक्य जी कहते हैं, जिस व्यक्ति के पास ज्ञान होता है, वो हर समस्या का समाधान निकाल लेता है, साथ ही उसे लोगों की मदद भी बुरे वक्त में प्राप्त होती है। ज्ञानी लोग अपने ज्ञान के दम पर समाज में अपनी जगह बनाते हैं, उन्हें किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होती और वो अपने ज्ञान से ही सब कुछ हासिल कर लेते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार बहादुर इंसान हमेशा अपने दम पर अपनी पहचान बनाता है। बुरे वक्त में वो घबराता नहीं है, अपने साथ साथ वो दूसरों की मदद भी करता है और इन्हीं कारणों से वो लोकप्रिय बन जाता है। जो व्यक्ति कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ कर बोलता है, उसे कभी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है, उसे समाज में जरा भी पसंद नहीं किया जाता। चाणक्य जी कहते हैं, दान करने के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत सारा धन हो तभी आप दान करें और लोगों को भोजन कराएं। दान करने के लिए आपका दिल बड़ा होना चाहिए। चाणक्य जी कहते हैं, जो स्त्री मीठा बोलती है, उसकी जुबा पर माँ सरस्वती का वास रहता है, उसे कभी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। मधुर वाणी वाले लोगों का साथ भी हर कोई देता है। चाणक्य नीति के अनुसार यदि बगैर किसी संघर्ष के आपको कोई चीज मिलती है, तो उसकी कीमत आपको समझ में नहीं आती। वहीं अगर आप अपने जीवन में किसी चीज को बहुत कड़ी मेहनत के बाद प्राप्त करते हैं, तो उसका एक अलग ही महत्व आपके जीवन में होता है। आगे आचार्य चाणक्य जी अपनी एक नीति में कहते हैं, वो व्यक्ति जिसका हृदय हर प्राणी मात्र के प्रति करुणा से पिघलता है, उसे जरूरत क्या है किसी ज्ञान की, मुक्ति की, सर के ऊपर जटाजूट रखने की और अपने शरीर पर राख मलने की। चाणक्य जी कहते हैं, कांटों से और दुष्ट लोगों से बचने के दो ही उपाय हैं, पैर में जूते पहनो और दुष्ट लोगों को इतना शर्मसार करो कि वो अपना सर उठा ना सके और आपसे दूर रहें। जो अस्वच्छ कपड़े पहनता है, जिसके दांत साफ नहीं है, जो बहुत खाता है, जो कठोर शब्द बोलता है और जो सूर्योदय के बाद उठता है, उसका कितना भी बड़ा व्यक्तित्व तो क्यों ना हो, वो लक्ष्मी की कृपा से हमेशा वंचित ही रहेगा। जब व्यक्ति दौलत खोता है, तो उसके मित्र, पत्नी, नौकर संबंधी उसे छोड़कर चले जाते हैं, और जब वो दौलत वापस हासिल करता है, तो ये सब लौट आते हैं। इसीलिए दौलत ही सबसे अच्छी रिश्तेदार होती है। दोस्तों, एक महान आदमी जब कोई गलत काम करता है, तो उसे कोई कुछ नहीं कहता। एक नीच आदमी जब कोई अच्छा काम भी करता है, तो उसका धिक्कार होता है। देखिए, अमृत पीना तो अच्छा है, लेकिन राहु की मौत अमृत पीने से हुई। विष पीना नुकसानदायी है, लेकिन भगवान शंकर ने जब विष प्राशन किया, तो विष उनके गले का अलंकार हो गया। चाणक्य जी कहते हैं, भोजन वो है जो ब्राह्मण को देने के बाद शेष है, प्रेम वो सत्य है जो दूसरों को दिया जाता है, खुद से जो प्रेम होता है वो नहीं, वही बुद्धिमत्ता है जो पाप करने से रोकती है, और वही दान है जो बिना दिखावे के किया जाता है। यदि आदमी को परख नहीं है, तो वो अनमोल रत्नों को पैर की धूल में पड़ा हुआ रखता है और घास को सर पे धारण करता है। ऐसा करने से रत्नों का मूल्य कम नहीं होता और घास के तिनकों की महत्ता नहीं बढ़ती। लेकिन जब विवेक बुद्धि वाला आदमी आता है, तो हर चीज को उसकी असली जगह दिखाता है। चाणक्य जी कहते हैं, शास्त्रों का ज्ञान अगाध है,
वो कलाएं अनंत जो हमें सीखनी चाहिए, हमारे पास समय थोड़ा है और जो सीखने के मौके हैं उसमें अनेक विघ्न आते हैं, इसलिए वही सीखें जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार जैसे हंस पानी को छोड़कर उसमें मिला हुआ दूध पी लेता है। चाणक्य जी कहते हैं वो आदमी चांडाल है जो एक दूर से अचानक आए हुए थके मांदे अतिथि को आदर सत्कार दिए बिना रात का भोजन खुद खाता है। एक व्यक्ति को चारों वेद और सभी धर्म शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन उसे यदि अपनी आत्मा की अनुभूति नहीं हुई तो वो उसी चमचे के समान है जिसने अनेक पकवानों को हिलाया लेकिन किसी का स्वाद नहीं चखा। चाणक्य जी कहते हैं वो लोग धन्य हैं, ऊंचे उठे हुए हैं, जिन्होंने संसार समुद्र को पार करते हुए एक सच्चे ब्राह्मण की शरण ली। उनकी शरणागति ने नौका का काम किया और वे ऐसे मुसाफिरों की तरह नहीं है जो एक सामान्य जहाज पर सवार हैं और जिसके डूबने का खतरा है। चंद्रमा जो अमृत से लबालब है और जो औषधियों की देवता माना जाता है, जो अमृत के समान अमर और दैदीप्यमान है, उसका क्या हश्र होता है जब वो सूर्य के घर जाता है अर्थात दिन में दिखाई देता है, तो क्या एक सामान्य आदमी दूसरे के घर जाकर लघुता को प्राप्त नहीं होगा। एक मधुमक्खी जो कमल की नाजुक पंखुड़ियों में बैठकर उसके मीठे मधु का पान करती थी, वो अब एक सामान्य कुटज के फूल पर अपना ताव मारती है, क्योंकि वो ऐसे देश में आ गई है जहां कमल है ही नहीं, उसे कुटज के पराग ही अच्छे लगते हैं। दोस्तों, दुनिया में बांधने के ऐसे अनेक तरीके हैं जिससे व्यक्ति को प्रभाव में लाया जा सकता है और नियंत्रित भी किया जा सकता है। सबसे मजबूत बंधन प्रेम का है। इसका उदाहरण वो मधुमक्खी है जो लकड़ी को छेद सकती है लेकिन फूल की पंखुड़ियों को छेदना पसंद नहीं करती, चाहे उसकी जान चली जाए। चाणक्य जी कहते हैं चंदन कट जाने पर भी अपनी महक नहीं छोड़ते, हाथी बूढ़ा होने पर भी अपनी लीलाओं को नहीं छोड़ता, गन्ना निचोड़े जाने पर भी अपनी मिठास नहीं छोड़ता। उसी प्रकार ऊंचे कुल में पैदा हुआ इंसान अपने उन्नत गुणों को नहीं छोड़ता, भले ही उसे कितनी भी गरीबी में क्यों ना बसर करना पड़े। चाणक्य जी कहते हैं नीच वर्ग के लोग दौलत चाहते हैं, मध्यम वर्ग के लोग दौलत और इज्जत, लेकिन उच्च वर्ग के लोग केवल सम्मान ही चाहते हैं, क्योंकि सम्मान ही उच्च लोगों की असली दौलत होती है। दीपक अंधेरे का भक्षण करता है इसीलिए काला धुआं बनता है। इसी प्रकार हम जिस प्रकार का अन्न खाते हैं उसी प्रकार के विचार मन में उत्पन्न होते हैं। हे विद्वान पुरुष, अपनी संपत्ति केवल पात्र को दे और दूसरों को कभी ना दे। जो जल बादल को समुद्र देता है वो बड़ा मीठा होता है, बादल वर्षा करके वो जल पृथ्वी के सभी चल अचल जीवों को देता है और फिर उसे समुद्र को लौटा देता है। चाणक्य जी कहते हैं जल अपच की दवा है, जल चैतन्य निर्माण करता है यदि उसे भोजन पच जाने के बाद पीते हैं, और पानी को भोजन के बाद तुरंत पीना विष के समान होता है। यदि ज्ञान को उपयोग में ना लाया जाए तो वो खो जाता है। आदमी यदि अज्ञानी है तो वो खो जाता है और सेनापति के बिना सेना खो जाती है। वो आदमी अभागा है जो अपने बुढ़ापे में अपनी पत्नी की मृत्यु देखता है, और वो भी अभागा है जो अपनी संपदा संबंधियों को सौंप देता है, और वो भी अभागा है जो खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। चाणक्य जी कहते हैं एक संयमित मन के समान कोई तप नहीं है, संतोष के समान कोई सुख नहीं है, लोभ के समान कोई रोग नहीं है और दया के समान कोई गुण नहीं है। नीति की उत्तमता ही व्यक्ति के सौंदर्य का गहना है। उत्तम आचरण से व्यक्ति उत्तरोत्तर ऊंचे लोक में पहुंच जाता है। सफलता ही विद्या का आभूषण है और उचित विनियोग ही संपत्ति का गहना होता है। जो जल धरती में समा गया वो शुद्ध है, परिवार को समर्पित पत्नी शुद्ध है, लोगों का कल्याण करने वाला राजा शुद्ध है, और वो ब्राह्मण शुद्ध है जो संतुष्ट है। असंतुष्ट ब्राह्मण, संतुष्ट राजा, लज्जा रखने वाली वैश्या, कठोर आचरण करने वाली गृहिणी, ये सभी लोग विनाश को प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, ये थे आचार्य चाणक्य जी के कुछ बेहद अनमोल विचार जो मैंने आपके साथ शेयर किए। आई होप आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। दोस्तों, इस वीडियो से आपने क्या सीखा, आपको क्या समझ आया, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली हमारी सभी वीडियोज को आप आसानी से देख सकें। मैं मिलता हूँ आपसे एक ऐसी मोटिवेशनल लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे मोटिवेट, स्टे फियरलेस।